हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। अब देखिए, हिकविजन के एनवीआर में एक प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से आ रही है। मैं पर्सनली बहुत बार फेस कर चुका हूँ, शायद आपने भी फेस की होगी। वो है हिकविजन के एनवीआर में माउस का ना चल पाना। अब देखिए, जब भी आप कोई भी नया हिकविजन का एनवीआर इंस्टॉल करते हो तो उसमें कुछ टाइम तक तो माउस वर्क करता है, बट उसके बाद वो वर्क करना बंद कर देता है। उसके बाद जब तक आप उसे ऑफ करके वापस से ऑन नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। अब इसके रिगार्डिंग मैंने कंपनी में भी बात की, बट उन्होंने भी कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप वायरलेस माउस यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ करना आप बंद कर दीजिए। कंपनी रेकमेंड कर दिया है कि आप सिर्फ वायर्ड माउस यूज़ कीजिए, वो भी जो कंपनी एनवीआर के साथ देती है वही। और दूसरी बात, कोई भी एक्सटेंशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने वायर्ड माउस ही यूज़ करना है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारा एनवीआर है वो काफ़ी बार हम रैक में रखते हैं, काफ़ी हाइट पर इंस्टॉल करते हैं, सीलिंग के पास इंस्टॉल करते हैं, या फिर कहीं दूर भी इंस्टॉल करते हैं। जो कस्टमर है उसको वायरलेस माउस ही उसमें काम आता है, बट कंपनी मना करती है स्ट्रिक्टली। सो इसके रिगार्डिंग मैंने कंपनी में दोबारा बात की तो उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताए और कुछ सेटिंग्स बताई, और एक ऐसा पॉइंट बताया जो मैं मिस आउट कर रहा था, शायद आप भी वो मिस आउट कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स, वो सारी सेटिंग्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास है 3 NVR, 2 है 32 चैनल्स के और 1 है 16 चैनल का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास है 3 माउस। अब जो फर्स्ट माउस है ये पुराने DVR का है, 16 चैनल का, और ये बढ़िया काम कर रहा है, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो फर्मवेयर है वो भी ओल्ड मॉडल है, बट जो नए NVR है ये मैंने अभी लगाए हैं, और इन दोनों NVR पर जो माउस है वो वर्क नहीं कर रहा है। और कमाल की बात है कि दोनों का फर्मवेयर भी सेम है। सो अब अगर माउस काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है आपको NVR को ऑफ करना पड़ेगा और वापस से ऑन करना पड़ेगा। उससे कुछ टाइम के लिए आपका जो माउस है वो काम करने लग जाएगा। एक बार अगर माउस काम करने लग गया तो आपने उस पर कुछ सेटिंग्स करनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सेटिंग्स हमने करनी है। सो गाइज, हमने दोनों NVR को ऑफ करने के बाद वापस से ऑन कर दिया है, और हमारा जो फर्स्ट NVR है वो ऑन हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या क्या सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने मेन्यू के अंदर जाना है, और मीन वाइल हमारा सेकेंड NVR भी ऑन हो चुका है। और मेन्यू के अंदर जाने के बाद आपने पैटर्न यहाँ पर लगाना है, उसके बाद आपने जाना है सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने सिस्टम के अंदर जर्नल में जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दो सेटिंग आपने करनी है। सबसे पहली है मेन्यू आउटपुट मोड, इसको आपने HDMI पर सिलेक्ट करना है, अगर आप HDMI केबल यूज़ कर रहे हो। अगर VGA कर रहे हो तो VGA पर सिलेक्ट करना है, और साथ ही लॉक स्क्रीन पर नेवर करना है आपने, क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉग आउट होने का टाइम होता है, तो आपने उस पर नेवर करना है ताकि जो आपका माउस है वो लॉग आउट ना हो। तो ये सभी स्टेप करने के बाद जो लास्ट स्टेप है आपका, वो है फर्मवेयर को अपडेट करना, अगर आपका ओल्ड मॉडल है। अभी देखिए, हमारा जो फर्मवेयर है वो लेटेस्ट है, वर्जन V4.32.116, और जो बिल्ट है वो है 12/1/2022। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट फर्मवेयर है, तो इसको अपडेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो फर्मवेयर वर्ज़न है वो 2017, 2018, 2019, 2020 का है, तो आपको ज़रूर उसे अपडेट करना चाहिए। सो सिस्टम को रिबूट करने के बाद काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा। बट अगर आपको फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो जो पॉइंट मैं मिस आउट कर रहा था और आई थिंक शायद आप भी मिस आउट कर रहे होंगे, वो है HDMI। अब देखिए, इस चीज़ में HDMI बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो आपका मॉनिटर है वो NVR के साथ HDMI केबल के थ्रू ही कनेक्टेड होता है, और जो आपका माउस है वो उसी HDMI केबल के थ्रू ही वर्क करता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सबसे पहले HDMI केबल को चेंज करके देखना है, आपको ब्रांडेड HDMI केबल यूज़ करनी है, और उसके बाद काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप USB एक्सटेंशन भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी एक बार चेंज कर कर देखना है, वो भी आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, प्राइस में थोड़ा ही फ़र्क आता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की USB एक्सटेंशन लेंगे तो तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब सेटिंग करने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई। मेरे पास 7 से 8 NVR ऐसे थे जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, और मैं परेशान हो गया था इस वजह से। बट कहीं पर HDMI का इशू था, कहीं पर USB एक्सटेंशन का इशू था, और ये सेटिंग तो मैंने लगभग हर NVR में की। ये दो सेटिंग आपको ज़रूर करनी है अपने NVR में।
उसके बाद आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।